इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया है वंडर शेयर वीडियो कन्वर्टर ने, जो कि एक सॉफ्टवेयर है वीडियो कन्वर्टर का। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कम 1000 फॉर्मेट तक वीडियोस को अपने किसी दूसरे वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कोई नॉर्मल वीडियो कन्वर्टर नहीं है, वीडियो कन्वर्टर तो बस नाम से है, बाकी एडिटिंग और डाउनलोडिंग भी होती है इससे। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करनी है, तो मैं यूट्यूब खोला, अपने ही चैनल की वीडियो मैंने खोली, ओपन करी, उसकी लिंक कॉपी करी, सॉफ्टवेयर को लाके पेस्ट किया, खत्म, डाउनलोड हो गई। इस सॉफ्टवेयर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ट्राई जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइज, एक बहुत अच्छा क्रेज है लोगों में वॉलपेपर को लेकर के, फोन्स में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, उनको वॉलपेपर चेंज करने में मजा आती है। उन्हीं लोगों में मैं भी काउंट होता हूँ, मुझे भी वॉलपेपर चेंज करना बहुत पसंद है। और यकीन मानो मेरे साथ ये केस बहुत होता है, जब भी मैं कोई वॉलपेपर लगाता हूँ मेरे दोस्त लोग तुरंत यही बोलते हैं, भाई मेरे को ये वॉलपेपर चाहिए, कैसे भी करके दे मेरे को ये वॉलपेपर चाहिए। उनकी दूसरी लाइन जानते हो क्या होती है? उनकी दूसरी लाइन होती है, मेरे को ये वॉलपेपर का ड्राइव लिंक चाहिए, व्हाट्सएप पे नहीं, मेरे को ड्राइव लिंक चाहिए। ड्राइव लिंक इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप पे अगर वॉलपेपर आप सेंड करोगे तो क्वालिटी लूज हो जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये आप लोग के साथ भी होता होगा, जिनको अच्छा लगता होगा चेंज करना, तो मैं समझता हूँ उनके साथ भी ये केस बहुत होता होगा। तो आज इस वीडियो में मैं अपना ही सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ कि मैं कहाँ से एनिमे के डार्क वॉलपेपर होते हैं, एमुलेट वॉलपेपर जो होते हैं, कहाँ कहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन जो मैं सजेस्ट करने वाला हूँ उसका नाम है इंसवॉल, और ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, तो ढूंढना भी मत अभी। जहाँ भी अवेलेबल होगी मैं उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेफ है, कोई ऐसा मतलब कुछ वायरस वरस नहीं है, सेफ है, मैंने चेक किया है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। एप्लीकेशन को ओपन करते ही सबसे पहले आप देखो कि सारे वॉलपेपर कैटेगराइज्ड हैं। इसमें वॉलपेपर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन जितने हैं वो क्वालिटी वॉलपेपर मिलेंगे आपको। डिज़ाइन वगैरह भी इसमें लिमिटेड है, एनिमे के भी इसमें आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो भी वॉलपेपर्स में आप देखोगे, मैक्सिमम वॉलपेपर आपको डार्क मोड में ही दिखेंगे। डार्क मोड से मेरा मतलब वही मिनिमल और एमोलेड वॉलपेपर जो होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इस एप्लीकेशन को भी आप ट्राई जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। दूसरी एप्लीकेशन है खास तौर से एनिमे फैंस के लिए, इस एप्लीकेशन का नाम है एनिमे एक्स वॉलपेपर। ये काफ़ी पॉपुलर है, मैं समझता हूँ कुछ लोग इस एप्लीकेशन के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। ये मैं सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, इसमें गाइस इस एप्लीकेशन में जो वॉलपेपर हैं वो बेसिकली मोबाइल के ही नहीं हैं, उसमें आपको डेस्कटॉप के भी वॉलपेपर मिल जाते हैं। दूसरी अच्छी चीज़ क्या है, इस एप्लीकेशन से जब आप वॉलपेपर डाउनलोड करोगे तो वो एक्चुअल में उनका ओरिजिनल साइज होगा। मान लो हम सर्च कर रहे हैं इचिगो फ्रॉम ब्लीच का वॉलपेपर, अब मैंने कोई इचिगो का वॉलपेपर सेलेक्ट किया, अगर ये वॉलपेपर का साइज जो है वो 4K या उससे बड़ा है तो एक्चुअल में 4K का साइज होगा, और उसको हम क्रॉप करके मोबाइल का वॉलपेपर भी बना सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू हम वॉलपेपर डाउनलोड करके अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एनिमे एक्स वॉलपेपर एक्सक्लूसिव है खास तौर से एनिमे फैंस के लिए, तो कोई भी कैरेक्टर आप सर्च करोगे तो इसमें आपको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के वॉलपेपर आपको मिल जाएंगे। एक और अच्छी चीज़ क्या है इसमें कि इसमें आपको मिनिमल वगैरह भी आप सर्च करते हो तो उस पर्टिकुलर एनिमे कैरेक्टर का मिनिमल वॉलपेपर भी मिल जाएगा, तो इसको भी ट्राई जरूर करना। आगे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करूँ तो गाइज ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली वॉलपेपर का तो मैं नहीं बोलूँगा, ये बेसिकली क्या है कि एक कम्युनिटी है, एक डिज़ाइनर की कम्युनिटी है, डिज़ाइनर्स लोगों के लिए बनाई गई है, जहाँ पे लोग खुद के अपने आर्टवर्क वगैरह कस्टम आर्टवर्क अपलोड करते हैं। जैसे मान लो कि अगर आप एक कंपनी हो, आपको टी शर्ट पे डिज़ाइन ब्रांडिंग वगैरह देनी है तो यहाँ से आप डिज़ाइन खरीद सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पे जो आप वॉलपेपर वगैरह जो भी आप डाउनलोड करोगे उसका जो साइज होगा वो एक्चुअल 12-13 MB, कुछ कुछ तो 50-60 MB तक पहुंच जाता है। अब जैसे मान लो ये एक लूफी गोकू का वॉलपेपर मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड पे डिटेल में किया तो देखो 6.1 MB की ये फाइल है। 6.1 MB की फाइल है मतलब ये बड़ा वॉलपेपर है, ओरिजिनल क्वालिटी में भी होगा। चलो मैंने क्या किया, मैं गैलरी में गया, इस वॉलपेपर को सेलेक्ट किया, डिटेल चेक किया और मैंने पाया कि ये वाकई में इसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी है, इसका जो रिजोल्यूशन है वो काफ़ी बड़ा है, 5000x करके लिखा हुआ है ना। तो ये बेसिकली वही एग्जांपल था बताने को मुझे कि इसमें जो आपको क्वालिटी मिलेगी वो बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन क्वालिटी होगी। 80% वॉलपेपर जो मैं डाउनलोड करता हूँ वो बेसिकली यहीं से करता हूँ, इसी एप्लीकेशन के थ्रू करता हूँ।
नेक्स्ट एप्लीकेशन जो मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ गाइज वो है वॉलपिक्सल। ये एप्लीकेशन भी खास तौर से वॉलपेपर के मामले में काफ़ी पॉपुलर है। मैं समझता हूँ बहुत लोग जानते होंगे इस एप्लीकेशन के बारे में ऑलरेडी। इसमें बहुत सारी तरह के आपको वॉलपेपर मिलेंगे, सारे कैटेगराइज्ड हैं। एनिमे का सेक्शन अलग है, एमोलेड का सेक्शन अलग है, एनिमल्स वगैरह का सेक्शन अलग है। सेक्शन वाइज इसमें डिवाइड कर रखा गया है। इसमें जो एनिमे सेक्शन है उसमें भी लिमिटेड एनिमे कैरेक्टर्स हैं। ये भी हो सकता है अगर आप जो एनिमे कैरेक्टर सर्च कर रहे हो ना भी मिले, पर जितने अपलोडेड हैं वो हाई क्वालिटी अपलोडेड हैं, अच्छे डिज़ाइंस हैं, अच्छे कैरेक्टर के आर्टवर्क वगैरह अपलोडेड हैं। फोकस किया गया है डार्क मोड में एमोलेड डिस्प्ले के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ गाइस उसका नाम ही है ब्लैक वॉलपेपर। ये बेसिकली इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो वॉलपेपर मिलेंगे वो डीपर ब्लैक वाले वॉलपेपर होंगे। इस एप्लीकेशन में गाइस एनिमे के वॉलपेपर तो बहुत कम है, लेकिन जो इसमें वॉलपेपर आपको मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मोबाइल पे जब आप लगाते हो तो बहुत अच्छा दिखता है मोबाइल। जिनके पास एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन है, मतलब मोस्टली सैमसंग के फोन जो होते हैं, वन प्लस के फोन होते हैं, इस टाइप के फोन्स में जो ब्लैक वॉलपेपर है बहुत अच्छे भी लगते हैं, उससे बैटरी भी सेव होती है, तो उनके लिए ये एप्लीकेशन मैं हाईली रेकमेंड कर रहा हूँ। तो गाइज यही थी वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको सजेस्ट किया है जो एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ वॉलपेपर डाउनलोड करने के लिए। अगर आपके पास भी कुछ अच्छे वॉलपेपर के सजेशंस हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर उस एप्लीकेशन को ट्राई करूंगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है रौनक, आप देख रहे थे एक्सट्रीम टेक फोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।